हेलो फ्रेंड, मैं मुक्ता जैन। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव माँ फैशन बुटीक में। हम अपनी वीडियोस में साड़ी रिक्रिएट कंटेंट दिखाते हैं, तो आज की वीडियो भी उसी से रिलेटेड होने वाली है। फेस्टिव सीजन, आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या ड्रेस लेनी चाहिए। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे सर्च करा होगा कि आप क्या ड्रेस मंगाएं, तो आज हम आपको सोल्यूशन देते हैं उस चीज़ का। आप क्रिएटिव माँ के पास आके अपनी पुरानी ओल्ड फैशन साड़ी जो आपके वार्डरोब में खाली पड़ी है और आप पहन भी नहीं पा रहे हैं, उनको आप अच्छे से रिक्रिएट करवा सकते हैं और प्यारी सी ड्रेस बनवाइए और इस फेस्टिव सीजन आप वही पहनिए। फ्रेंड्स, आज जो ड्रेसेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मेरी ऑल ओवर इंडिया की क्लाइंट की ड्रेसेस हैं और सभी फेस्टिव सीजन के लिए बनी है। किसी को तीजों पे पहननी है, किसी को रक्षाबंधन पे, तो आज की वीडियो में सारी वही ड्रेसेज हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली साड़ी मेरी दिल्ली क्लाइंट की है। ये दो साड़ियाँ लेके आई थी। ये नैनीताल जब घूमने गई थी तब हमारे हल्द्वानी होते हुए गई थी और मेरे बुटीक पे ही उन्होंने साड़ियाँ दी और नाप भी दिया था। ये प्योर क्रेप में साड़ी है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड ग्रीन कलर का बॉर्डर है। इससे हमें एक लहंगा बनाना है। जिन साड़ी में ऊपर नीचे दोनों साइड बॉर्डर होता है उसमें लेंथ काफ़ी कम होती है, हो जाती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही लहंगा बनाना पड़ेगा। और जो ये साड़ी का बॉर्डर है ग्रीन कलर का, इसे हम सव्यसाची पैटर्न के ब्लाउज में यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ ही वो एक साड़ी लाई थी कॉटन की जो काफ़ी चिरक रही थी, तो बट इससे हमें कोई ड्रेस तैयार नहीं करनी, इससे हमें लहंगा के साथ का दुपट्टा तैयार करना है। दुपट्टे के लिए हम रेड मैरून पार्ट ज़्यादा लेंगे, येलो पार्ट दोनों साइड लेंगे, तो हमारे लहंगे चोली से मैच करते हुआ दुपट्टा तैयार होगा। फ्रेंड्स, इन दो साड़ियों से हमने एक लहंगा चोली तैयार की है और एक दुपट्टा तैयार किया है। उन्होंने हमें रेफरेंस पिक दी थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये चोली दी है। ब्लाउज आप देख सकते हो, जो साड़ी का ग्रीन कलर का बॉर्डर था वो हमने चोली के फ्रंट में दिया है। ये हमने सव्यसाची के पैटर्न में दिया है, बाकी हमने मैरून दिया है। एक लेस लेके हमने गोल्डन इसके ऊपर लगाई है और फ्रंट में हमने पोटली भी दी है। स्लीव्स हमने सिंपल दी है और ये ब्लाउज बैक ओपन है। साड़ी का लहंगा हमने कलियों वाला दिया है। इसमें आप बूटीज देख सकते हो, वन साइडेड आ रही हैं, तो ये जो साड़ी की जो विथ होती है, लंबाई जिसे हम पहनते हैं, तो उसमें ऊपर भी बॉर्डर होता है, नीचे भी बॉर्डर होता है। जब वो हटाते हैं हम तो ये जो लेंथ वाइज कलियाँ आती हैं वो नहीं आ पाती, इसलिए हमने इस तरह में कलियाँ दी हैं जिसमें कि लेंथ पूरी आई है। साड़ी से जब हम लहंगा निकालते हैं तो उसमें हमें पैटर्न चेक करना पड़ता है कि उससे किस तरह का लहंगा आएगा। हर लहंगे, हर साड़ी के कपड़े में ना तो कलियों वाला लहंगा आता है, ना अम्ब्रेला, ना ही प्लेटेड, तो हर एक का पैटर्न अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें लहंगा देना होता है। ये हमने स्टिंग वाला दिया है, साइड में जिप है, ऊपर एक हुक है, इसकी टसल्स हैं और जो नीचे आप देख रहे हो लेस, ये साड़ी का ही बॉर्डर था वो दिया है हमने, और इसके नीचे हमने गोल्डन लेस दी है। लाइनिंग इसके नीचे हमने क्रेप की दी है। और ये एक साड़ी थी कोटा में, तो इसे हमने, ये काफी चिरकी हुई साड़ी थी, बहुत जगह से चिरक रही थी, तो इसे हमने दुपट्टा दिया है। साड़ी का पहले बॉर्डर हमने पूरा निकाल लिया है था, और जो सिरका हुआ पार्ट था, फटा हुआ, वो सब हमने हटा दिया है और इसके चारों तरफ बॉर्डर करके हमने एक दुपट्टा तैयार किया है। दुपट्टा सेंटर में हमने रेड रखा है, साइड में हमने येलो रखा है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सेकेंड साड़ी मेरी रामनगर क्लाइंट की है। ये साड़ी लाइन थी जो हाफ ऑफ साड़ी है। हाफ साड़ी तो साटन में प्रिंटेड साड़ी है और हाफ साड़ी जो है पूरी नेट की साड़ी है। इसमें आप नीचे देख सकते हो बॉर्डर भी है काफ़ी चौड़ा, तो इस साड़ी की ड्रेस में हम बॉर्डर यूज़ नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक प्लाजो तैयार किया है। इसे हमने प्लाजो सेट दिया है, ये हमने कलियों वाला प्लाजो दिया है। साड़ी दो पार्ट में थी, हाफ हाफ में, तो ये हमने कलियों वाला पूरा घेर दिया है जो हाफ साड़ी थी उससे। एक प्लाजो और एक ब्लाउज दिया है। ये मेरी रामनगर की क्लाइंट है और कॉलेज गोइंग गर्ल है। इसमें लाइनिंग हमने क्रेप की दी है।
प्लाजो में जो नीचे का पार्ट होता है लाइनिंग वाला, वो हम थोड़ा अलग रखते हैं और काफ़ी थोड़ा ऊंचा रखते हैं। और इसी पार्ट से हमने ब्लाउज दिया है, फ्रंट में हमने स्वीट हार्ट नेक दिया है, बैक में भी, साइड में जिप दी है। ये इनर है तो हमने इसे सिंपल ही दिया है। इस ब्लाउज को आप जैकेट के साथ भी पहन सकते हो और विदाउट जैकेट भी। जो इसके नेक हम बनाते हैं, ये हम बुकरम वाले बनाते हैं, बुकरम वाले में फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। और आप अंदर की साइड से भी देख सकते हो, ये हमने जिप लगवाई है तो ये साइड में जो है वो पूरी तुरपाई है। साड़ी का जो हाफ पार्ट था नेट का, इससे हमने एक सिरक तैयार किया है। सिरक हमने सिंपल दिया है, स्लीव सिंपल है, सिर्फ हमने ट्रांजी दिया है। और जो साड़ी की ग्रीन कलर की लेस थी, एक मैरून कलर की लेस थी चौड़ी वाली, वो हमने पूरी हटा दी, उसे हमने यूज नहीं किया है। जो पतली लेस थी ग्रीन वाली, उसे हमने आउटिंग के लिए यूज किया है, स्लीव में भी और सिरक में भी। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। थर्ड साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है, ये मेरी बुआ जी हैं जिनके पास काफ़ी हैवी साड़ी थी, जिसका बॉर्डर आप देख सकते हो काफ़ी हैवी बॉर्डर है। जब वो प्लेट्स बांधती थी तो साड़ी नीचे को भागती थी, इसलिए हमने सोचा कि हम इसकी एक ड्रेस तैयार करते हैं। ये हाफ हाफ साड़ी है, हाफ साड़ी ऑरेंज कलर में है, प्योर में साड़ी है, और जो हाफ साड़ी है वो गोल्डन कलर में है बूटीज़ के साथ, बड़ी बड़ी बूटीज़। तो इससे भी हम टू पीस सेट बनाने वाले हैं। इस साड़ी से हमने एक पैपलम तैयार किया है, पैपलम हमने जैकेट दी है। ये फ्रंट ओपन है, जितना ब्लाउज का लेंथ होती है उतनी हम लाइनिंग देते हैं, और फ्रंट में हमने हुक आई दी है, और जो नीचे का पार्ट है वो हमने ट्रांजी रखा है। साड़ी में लेस काफ़ी चौड़ी थी तो उसे हमने फ्रंट में नहीं दिया है, फ्रंट में एक हमने दूसरी लेस दी है पतली वाली। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की दी है, ये आप देख सकते हो। और जो साड़ी का बॉर्डर था, साड़ी का बॉर्डर आप देखिएगा काफ़ी चौड़ा बॉर्डर है, तो उसमें से हमने ये जो कटवर्क वाला बॉर्डर है वो वाला निकाल के हमने पैपलम में दिया है नीचे। ये इसका बैक पार्ट है, फ्रंट में आप देख सकते हैं दो प्लेट्स हमने आगे दी हैं, दो प्लेट्स हमने पीछे भी दी हैं। और जो साड़ी का हाफ पार्ट था बूटीज वाला, उससे हमने पूरा लहंगा दिया है। इस तरह के जो पैटर्न होते हैं साड़ियों में बूटीज वाले, चौड़ी चौड़ी बूटीज वाले, उसमें हम कलियां नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें कलियां डालेंगे तो ये फ्रंट से कटेगा और घेर और कम हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे इसमें हमने बॉक्स प्लेट दी है बारीक बारीक। ये हमने स्टिंग वाला ही रखा है, और जो साड़ी का बॉर्डर था उससे हमने टसल्स दी है। साइड में जीप और हुक है, और जो लाइनिंग हमने दी है उसमें हमने सेंटून की दी है गोल्डन कलर की। ये लहंगे बनाना बहुत आसान है, इसे आप घर में थोड़ी सी हेल्प से बना सकते हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जितना फैब्रिक है आपके पास उससे पूरा लहंगा तैयार हो जाता है। बस जो साड़ी का अंदर वाला पार्ट होता है, जो प्लेन पार्ट होता है वो नहीं लेते हैं हम, जितना एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है वो उस पूरे की हम पूरा लेके उसमें गैदर्स डाल के या चुनटे डाल के चौड़ी चौड़ी, उसके बाद आप कमर के साइज का रख सकते हो, कमर से आप 2 इंच फालतू रखिएगा आपके सही आएगा। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट ड्रेस मेरी रामनगर क्लाइंट की है, ये हमारे इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं, इनके सिस्टर ने हमें इंस्टाग्राम के थ्रू ही सर्च किया था। इनकी 2 ड्रेसेस बनके पहले जा चुकी हैं, ये तीसरी ड्रेस है।
क्रस्ट सिल्क की ये साड़ी है जिसमें नीचे नेट है और पल्ले पे थोड़ी सी नेट है। इस साड़ी का बॉर्डर काफ़ी पुराना है तो हम इस साड़ी के बॉर्डर का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। इस साड़ी से हमने सव्यसाची पैटर्न में गाउन तैयार किया है। उन्हें एक सोबर सी डिजाइनर सी ड्रेस चाहिए थी तो जो नेट का पार्ट था वो हमने जैकेट लुक में दिया है और फ्रंट में जो चोली के अंदर का पार्ट है वो हमने सेम दिया है। पूरी जैकेट हमने नेट की दी है, नेट के अंदर हमने सेंट्रल लगाया है और बटन भी हमने गोल्डन ही दिए हैं। ये इसका फ्रंट पार्ट है। स्लीव्स आप देख सकते हो हमने ओरे पफ में दी है पूरी स्लीव्स। आजकल ये नेट ये स्लीव्स काफ़ी पैटर्न में है तो हम अधिकतर सबकी एक एक ड्रेस में स्लीव्स तो ये वाली बनाते हैं। नीचे अम्ब्रेला दिया है हमने पूरा, नीचे इसका घेर हमने अम्ब्रेला रखा है। आप देख सकते हैं पूरी साड़ी का घेर काफ़ी अच्छा निकल के आया है। अम्ब्रेला में हमेशा एक जोड़ हमेशा आता है लेकिन सेम कलर में इतना दिखाई नहीं देता। नीचे हमने पीको डाली है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी मेरी बरेली क्लाइंट की है। इनकी हमारे पास चार साड़ियाँ आई हैं जिसमें से हम इनको पहले एक साड़ी बना के देंगे। ये येलो कलर में कॉटन की साड़ी है, प्योर कॉटन की ट्रांजी साड़ी है। पल्ले में हैवी एम्ब्रॉयडरी है। फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारी कॉटन बेस्ड साड़ी है तो इससे भी हमने स्कर्ट टॉप ही बनाया है बट हमने जो चोली दी है वो लंबी दी है। इसमें लाइनिंग हमने क्रेप की डाली है क्योंकि बहुत ही ट्रांजी साड़ी है। आप देख सकते हो इसमें अंदर से पूरा दिखाई दे रहा है। अगर हम टॉप में कॉटन लाइनिंग देते तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए हमने पूरे में ऑल ओवर इसमें क्रेप की लाइनिंग डाली है। और ये हमने बहुत सिंपल बनाया है क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पल्ला था। स्लीव्स हमने प्लेन रखी हैं। इसकी जो स्कर्ट रखी है हमने फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। ये हमने कलियों वाला पैटर्न दिया है। इसमें भी आप देख सकते हो हमने इंटरलॉक नहीं दी है, पूरी ये गुम करके ही बनाई है कलियां। 16 कलियां हैं इस स्कर्ट में और लंबाई हमने थोड़ी ज्यादा रखी है। और जो साड़ी का बॉर्डर था नीचे वो हमने लास्ट में इस तरह में लिया है कि नीचे साड़ी का बॉर्डर सारा मैच करे एक दूसरे से। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी मेरी लखनऊ क्लाइंट की है। इनकी हमारे पास दो साड़ी आई थी जिसकी एक ड्रेस हम बना के दे चुके हैं और उनको ड्रेस काफ़ी पसंद आई है। उन्होंने अपना रिव्यू भी दिया है हमें, वो हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी पोस्ट किया है। उनकी ये सेकेंड साड़ी है, इन्होंने जो रेफरेंस पिक दी थी उसके अकॉर्डिंग हमें इनकी ड्रेस तैयार करनी है। फ्रेंड्स इस साड़ी से हमने एक कुर्ती और पैंट तैयार की है। कुर्ती हमने कलियों वाली दी है, ऊपर चोली है, बैक नेक इसमें छोटा है, फ्रंट में स्वीट हार्ट है। इन्होंने जो हमें रेफरेंस पिक दी थी वो स्लीवलेस थी स्ट्रैप वाली, बट उन्हें स्लीव चाहिए थी तो हमने इसमें स्लीव्स लगाई है। जो एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न था वो हमने चोली में दिया है। फ्रंट में दो प्लीट्स दी है, नीचे हमने कलियां दी हैं। लाइनिंग हमने प्योर वॉयल की दी है और अस्तर हमने सिर्फ चोली चोली में दिया है, नीचे हमने कलियाँ दी हैं ट्रांजी, ये आप देख सकते हो। और इसमें आप देखिए हमने इंटरलॉक नहीं दी है क्योंकि इंटरलॉक वाइट कलर में आती है और वो दिखाई देगी तो इसे हमने गुम बखिया दी है पूरी। आप फ्रंट से भी देख सकते हो, सामने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये इसका बैक पार्ट है। स्लीव्स हमने सिंपल रखी है। पैंट हमने फ्रंट में बेल्ट बैक में इलास्टिक दी है। बॉटम हमने सिंपल दी है 12 इंच की। इसमें भी हमने कॉटन लाइनिंग दी है। जो साड़ी का बॉर्डर था पतला वाला वो हमने इसमें भी दिया है। नेक्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये क्रस्ट शिफॉन में साड़ी है पूरी।
आप इसमें देख सकते हो बॉर्डर काफ़ी चौड़ा बॉर्डर है और बूटीज सारी तरफ है। ये अंदर वाली साइड है जिसमें नीचे की साइड बूटीज हैं और ऊपर प्लेन है, और जो पल्ले वाला 2.5 मीटर का पार्ट है उसमें फुल बूटीज है। इसका चौड़ा बॉर्डर बहुत ज़्यादा था इसलिए हमें इसमें यूज़ नहीं करना है। इस साड़ी से हमने एक अम्ब्रेला गाउन दिया है। जो बूटीज वाला पार्ट था पूरा वो हमने सारी बूटीज हमने आगे दी हैं, उन्हें अम्ब्रेला गाउन ही चाहिए था, तो बूटीज फ्रंट में जो पल्ले वाला पार्ट था पूरा उससे हमने फ्रंट तैयार किया है। स्लीव्स हमने ओरे पफ में दी हैं, ये बनानी बहुत आसान है और लगती बहुत ब्यूटीफुल है। चौड़ा बॉर्डर हमने स्लीव्स में दिया है। फ्रंट में हमने बॉर्डर को कट करके जो कटवर्क है वो हमने फ्रंट के नेक में दिया है, और जो बूटीज वाला पूरा पार्ट है वो हमने फ्रंट के पल्ले में दिया है, और पीछे के पल्ले में हमने जो प्लेन वाला पार्ट था वो दिया है। ये इसमें लाइनिंग हमने सेंटून की दी है। अब मैं आपको नेक की फिनिशिंग दिखाती हूँ। नेक हमने बुकरम वाले देते हैं हम हमेशा, बुकरम में भी हमने उसी के साथ तुरपाई भी दी हुई है। हमारे काम में आप हमेशा फिनिशिंग देखेंगे, और इसमें हमने क्रिएटिव मार्क टैग भी लगाया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग बहुत सारी ड्रेसेस देखी हैं। अगर आपको कोई ड्रेस बहुत अच्छी लगी हो तो आप हमसे बनवा भी सकते हैं, नहीं तो आप अपने आसपास के टेलर से भी बनवा सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है खुद भी स्टिच कर सकते हैं। सारी ड्रेसेस सिंपल हैं और डिजाइनर भी हैं। अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो हम अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप हमारा डेली अपडेट देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारा केटीमा फैशन बुटीक के नाम से पेज है, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको 200 से ऊपर की ड्रेसेस दिखाई देंगी, वहाँ से आप अपनी ड्रेस पसंद भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेस के साथ। थैंक यू।